हाय गाइस, वापस आ गए एक और वीडियो लेके। इस वीडियो में हम करने वाले एम आई ईयरफोन 699 का रिव्यू। सो ये फुल रिव्यू होने वाला है। इसमें हम साउंड क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसको मैंने तो काफ़ी टाइम यूज़ किया। अभी फ़िलहाल मेरा फेवरेट ईयरफोन में से एक है ये, पर ये बेस हेड्स के लिए नहीं है, तो इसलिए मैं इसको अच्छे से जज नहीं कर सकता। मुझे और लोग चाहिए थे जो बेस हेड्स ना हो और जिनको थोड़ा बहुत जो प्योरिस्ट के आसपास हो, जिनको साउंड क्लैरिटी ज़्यादा पसंद हो। तो इस वीडियो के लिए मेरे पास हैं दो लोग, आशीष और ऋतुजा। सो हम तीनों इसको रिव्यू करने वाले हैं, हम तीनों इसको यूज़ करने वाले हैं। तो इन दोनों ने भी यूज़ कर लिया है। सो देखते हैं आशीष और ऋतुजा का क्या कहना है इस ईयरफोन के बारे में। ओके, सो हम तीनों ने टेस्ट कर लिया है ईयरफोन को। तो पहले हम आशीष से पूछते हैं कि उसको ये ईयरफोन कैसा लगा। अगर आप हेडफोन यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा बेस भी नहीं है, ज़्यादा लो बेस भी, मतलब मीडियम बेस है, मतलब जिसको ज़्यादा बेस भी अच्छा नहीं लगता, जिसको कम बेस भी अच्छा नहीं लगता वो यूज़ कर सकता है उस हिसाब से। और वाइब्रेशन जो होते हैं ज़्यादा बेस के बाद जो लिरिक्स सुनाई नहीं देता है, हाँ, तो उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लिरिक्स आसानी से उसमें सुन सकते हैं। तो इसमें लिरिक्स बहुत क्लियर है और बेस इतना ओवरपावरिंग नहीं है कि बाकी गानों को पूरा मफल कर दे। तो सो बेसिकली प्योरेस्ट साइड को टारगेट किया गया है। ऋतुजा, तुम्हारे हिसाब से? मुझे लगता है कि आई एम नॉट अ बेस टाइप ऑफ अ पर्सन, लाइक मैं ज़्यादा बेस वाले गाने नहीं सुनती, तो अगर इसमें वॉल्यूम बढ़ाया जाए तो बेस वाले सॉन्ग्स ऐसे फटते नहीं, तो क्लियरली सुनाई देते हैं। एंड ज़्यादा बेस से मेरा सर दर्द भी हो जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा बेस वाले सॉन्ग्स भी नहीं सुनती हूँ। तो जब इसमें मैंने अगर वॉल्यूम बढ़ा दिया तो बेस ऐसे फटता नहीं है, या फिर गाने से जो लाइक इट्स लाइक बैलेंस टाइप, यू नो। ओके, सो बेसिकली तुम बेस हेड नहीं हो, तुम्हें बेस ज़्यादा पसंद नहीं, तो तुम्हें तुम प्योरेस्ट साइड में हो, तुम्हें मिड्स ज़्यादा, जहाँ वोकल्स ज़्यादा अच्छे सुनाई देने चाहिए, और ट्रेबल भी बीट्स भी थोड़े होने चाहिए, इतने भी नहीं कि बहुत ही ज़्यादा छन छन हो, और बेस इतना भी नहीं कि पूरा बूम बूम जैसा हो। ओके, सो अगेन प्योरेस्ट साइड को टारगेट किया गया है, तो इसमें प्योरेस्ट के लिए बहुत ही अच्छा है। सो मेरे हिसाब से जो मुझे लगा, एक्सेलेंट प्योरेस्ट के लिए ही टारगेट किया गया है, पर इसमें बेस प्योरेस्ट से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। हाँ, बेस हेड्स के लिए नहीं है, पर अगर आप इसको डाल के अगर आप कोई मूवी देखें, गाना सुने, या फिर अगर आप इसको जनरल अपने डे टू डे यूज़ में, मैं तो एडिटिंग के लिए भी यूज़ कर रहा हूँ, अगर यूज़ करें तो साउंड बहुत ही क्रिस्प और क्लियर है, और 699 में ये बुरा डील नहीं है। तो मेरे हिसाब से एक्सेलेंट ईयरफोन। एक प्रॉब्लम जो मुझे इसमें लगा वो ये है, तो आपने वीडियो देखा तो ये टैंगल हो जाता है कई बार, क्योंकि इसका ये वाला पार्ट इसमें नायलॉन नहीं है, ये रेगुलर रबर है, तो ये कभी कभी ऐसे टैंगल हो जाता है, पर ज़्यादा नहीं होता, कभी कभी होता है। मेरे साथ तो नहीं हुआ, पर ऋतुजा के साथ हुआ, तो ये पर्स में डालने पे कई बार हो जाता है। उसके अलावा मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं लगा। एक चीज़ मुझे जो बहुत अच्छा लगा वो है इसका रिमोट। इसके रिमोट में तीन बटन है एक बटन की जगह, सो आप वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो यहीं से, और आप प्ले, पॉज, नेक्स्ट, प्रीवियस वगैरह को कंट्रोल कर सकते हो मिडल के साथ। साउंड क्वालिटी टेस्ट ऑलरेडी हमने कर लिया है, इसके माइक की क्वालिटी बहुत अच्छी है। हाँ, बाइक चलाते समय अगर हवा डायरेक्ट लगेगा तो वो तो प्रॉब्लम रहेगा ही, तो उसमें आवाज़ अच्छे से आपको नहीं आएगी। उसके अलावा एक्सेलेंट ईयरफोन, और यूज़ करूँगा उसके बाद आपको बता सकता हूँ कि इसमें कोई प्रॉब्लम आता है कि नहीं आता, पर अभी के लिए तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इन दोनों को भी बहुत अच्छा लगा। सो गुड जॉब एम आई। तो दैट्स इट इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, और मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। बाय बाय।